हेलो एवरीवन, कैसे हो सभी लोग? सभी लोगों को राधे राधे नमस्ते। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप सभी लोग बढ़िया ही होंगे। तो आइए आप लोगों को हम बिग बॉस के कुछ टॉपिक पे बात करते हैं। और हमारा ये बिग बॉस OTT सीज़न 3 का ब्लॉग है, तो प्लीज़ अगर कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ बता दीजिएगा। अगली बार हम फिर से इसे अच्छा ब्लॉग बनाएंगे। और फिर चलते हैं, आइए हम लोग बिग बॉस OTT की बात करते हैं। जैसे कि बिग बॉस OTT में हमारी शिवानी कुमारी कानपुर से गई है और बहुत अच्छा खेल रही है। एक गांव की लड़की है, इतना सारा स्ट्रगल करके वहां तक पहुंची है इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे। तो आप लोग उसमें एक बात नोटिस किया होगा कि एक गांव की लड़की समझ के उसको सब लोग कहते हैं कि गंवार है, ये ठीक से बोल नहीं सकती है, इंग्लिश नहीं बात कर सकती है। तो हाँ भाई, जो लोग गांव के होते हैं ना, उनको सभ्यता में रह के, संस्कृति में रह के ही सब कुछ चलना पड़ता है। शहर में तो सब ओपन माइंडेड होते हैं, ओपन ख्याल के होते हैं, बट गांव में सब कुछ ले के चलना पड़ता है कि सामने वाला ऐसे ना कह दे, सब पड़ोसी ऐसे ना कह दे, तो सब कुछ लेके चलना पड़ता है। तो सभी लोग, आप लोग एक बात नोटिस किया होगा कि अभी हमारे शिवानी को ट्रोल करने के लिए, हमारे शिवानी को ना सपोर्ट करने के लिए हमारे रवि किशन भोजपुरी इंडस्ट्री के जो माने जाने एक्ट्रेस हैं, वो गए हैं बिग बॉस में एंट्री करने। तो आप लोग देखे होंगे कि एक अपने फ्रेंड्स को सपोर्ट करने के लिए रवि किशन जी ने हमारे शिवानी को कैसे बात कर रहे हैं, कि वो उसको बड़ा संस्कृत में भाषण दिए जा रहे हैं कि शिवानी को ऐसा नहीं करना चाहिए, शिवानी को वैसा नहीं करना चाहिए, शिवानी को बोलने का तरीका नहीं है। भाई रवि किशन जी, आप एक भोजपुरी इंडस्ट्री के माने जाने कलाकार हैं, और आप मुझे ये बताइए कि हमारी शिवानी कहाँ गलत है? हम लोगों को तो, हमें तो नहीं लगता है कि वो कहीं गलत है। अगर आपको लगता है तो ये हम आप पे सवाल उठाते हैं रवि किशन जी। तो आप बताइए कि जब भोजपुरी एक सॉन्ग आया था तो हर लहंगा उठा दे रिमोट से, तो आपको संस्कृति का नहीं आया ख्याल कि हमारी संस्कृति कहाँ जा रही है, हमें इस गाने पर नहीं बनाना चाहिए, एक्टिंग नहीं करनी चाहिए, या इस गाने पर हमें नहीं डांस करना चाहिए? तो आप मुझे बताइए कि जब आप संस्कृति को नहीं दिखे, तब आपको संस्कृति नहीं दिखी? अगर आपकी बेटी यही गाने पे करती तो आपको कैसा लगता, आप हमें भी बताइए। और बेटी छोड़िए, किसी की बेटी, सबकी बेटी समान होती है, बेटी को छोड़िए। जब आप खुद एक जगह गलत हैं तो आप दूसरे को क्यों गलत बता रहे हैं? हमें ये बात आप बताइए रवि किशन जी से। और शिवानी बहुत बेस्ट खेल रही है बिग बॉस में जाके, और मुझे उसको 100% सपोर्ट करना है। आप लोगों से यही अनुरोध है कि उसको प्लीज़, गांव की है और वो बहुत मेहनत करके इतने बड़े प्लेटफॉर्म पे गई है, तो प्लीज़ आप लोग उसको सपोर्ट करिए बेचारी को। और बहुत अच्छा खेल रही है और बहुत सभ्यता में रह के खेल रही है। और उसके ड्रेसिंग सेंस की बात की जाए, भोजपुरी इंडस्ट्री में बहुत ही वियर्ड वियर्ड कपड़े पहने जाते हैं, शॉर्ट्स पहने जाते हैं, लेकिन आज तक हमारी शिवानी बिग बॉस में गई है, इतना अच्छे से ड्रेसअप करती है, इतने अच्छे से रहती है, और उसके बोलने का तरीका है, जैसे जो भैया लायक है उसको भैया बोलती है, और जिसको दीदी लायक है उसको दीदी बोलती है, जिसको भाभी लायक है सबको भाभी बोलती है। बट हमें ये नहीं समझ रहा है रवि किशन जी, एक वुमेन को, एक लड़की को उनको सपोर्ट करना चाहिए, ना कि उसको उसके कल्चर पे लेके या फिर उसके संस्कृति पे लेके सवाल उठाना चाहिए। हमें रवि किशन जी से यही, वो फ्रेंडशिप में है, वो गए हैं रणबीर कपूर को गए हैं सपोर्ट करने, मैं मानती हूँ सब अपने दोस्तों को सपोर्ट करते हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है, सब लोग अपने दोस्तों को सपोर्ट करें, बट किसी को सपोर्ट करने के लिए हम किसी की संस्कृति पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। और शिवानी हमारी बहुत अच्छी खेल रही है, और रवि किशन जी आप प्लीज़ किसी लड़की को ऐसे नहीं टारगेट कर सकते हैं जैसे आप कर रहे हैं। हमारी शिवानी अच्छा खेल रही है, हम लोग यही भगवान से यही प्रार्थना करते हैं हमारी शिवानी ट्रॉफी लेके आए, और ऐसे नहीं 26-27 दिन वो वहाँ पर रुक गई है। वो उसमें कुछ तो खासियत है, वो कुछ उसमें बिग बॉस देखे होंगे तभी तो अभी तक वो उस बिग बॉस के घर में बनी हुई है। लेकिन रवि किशन जी,
आज आप भले से बड़ी बड़ी मूवियाँ कर रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, बट आप किसी लड़की को उसके संस्कृति पर सवाल नहीं, संस्कृति पर सवाल नहीं उठा सकते हैं। और हम तो शिवानी को दिल से सपोर्ट करेंगे, जो भी हमारे शिवानी को दिल से सपोर्ट करता है, प्लीज़ उन लोगों से हाथ जोड़ के अनुरोध है, उसको बहुत सारे वोट्स कीजिए, उसको बहुत सारे ब्लेसिंग्स दीजिए कि हमारी शिवानी कुमारी जो कानपुर से यूपी से बिलोंग करती है, उसको जिताने का फुल प्रयास करिए और सब लोग उसको बहुत अच्छे वोटों से जिताइए। भगवान से यही अनुरोध सब लोग करिए कि ट्रॉफी लेके आइए, और बहुत ही मेहनत की है, हम आप लोगों से यही अनुरोध करते हैं कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत की है और मेहनत करके ही वहाँ तक गई है। एक गांव की लड़की, इंसान कहता है ना, जब खाने को नहीं होता है घर में ना, जब इंसान मेहनत करता है ना, तो उसको हर पाई पाई का वैल्यू रहती है, कि एक दाना भी गिर जाता है ना ज़मीन पे, तो इंसान कहता है कि एक दाने की भी उसकी वैल्यू होनी चाहिए। तो हमारी शिवानी बहुत अच्छे खेल रही है, और प्लीज़ सभी लोग सपोर्ट करिए हमारी शिवानी को, आज मेहनत करके इस लेवल तक गई है, और हमें पता है कि वो किस हद तक गई है। वो 30 रुपये 40 रुपये की मजदूरी करती थी लड़की, अपने माँ के बिन बाप की बच्ची थी, और जो भी कमाया है उसने अपने दम पे कमाया है, ना किसी का सपोर्ट था, ना किसी का उसमें हाथ था। वो लड़की जो भी मेहनत की होगी टिकटॉक से और यूट्यूब से, इंस्टाग्राम से वो फेमस हुई हो, किसी भी प्लेटफॉर्म से वो अगर फेमस हुई है तो अपने दम से हुई है, ना किसी का हाथ था उसमें, ना माँ बाप। बाप तो बेचारी का था ही नहीं, माँ थी, वो भी बीमार रहती हर वक्त। तो पहली बात उनके माँ को मैं प्रणाम करती हूँ, और उनकी माँ को भगवान लंबी आयु दें और उनको स्वस्थ रखें, मस्त रखें। और प्लीज़ हमारे शिवानी को सभी लोग सपोर्ट करिए, ज़्यादा से ज़्यादा वोट्स कीजिए, उसको ट्रॉफी का हकदार बनाइए। तो फिर चलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे। ब्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ सब्सक्राइब करिएगा मेरे चैनल को, और शेयर करिएगा, कमेंट्स के साथ बताइएगा कि हमारी शिवानी को वोट्स देना चाहिए या उसको जिताना चाहिए, प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे, अपना ख्याल रखिएगा।